नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर के। आपको बता दें कि जब से कांग्रेस पार्टी ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान किया है, तब से कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। इस बीच निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि प्रदीप जायसवाल वही शख्स है जो कि कभी कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जाहिर तौर पर इससे बीजेपी को बड़ी मजबूती जो है वो मध्य प्रदेश में मिली है। बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद प्रदीप जायसवाल को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। वही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ही एक बार फिर से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में कपड़ा फाड़ राजनीति देखने को मिली है। बता दें कि इसके वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कभी कमलनाथ जो है वो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कहते हैं, तो कभी दिग्विजय सिंह जो है वो कमलनाथ के कपड़े फाड़ने की बात करते हैं। जाहिर तौर पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें जो समर्थक है उनके सामने कमलनाथ झल्ला जाते हैं और ये कहते हैं कि जा करके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए। आपको बता दें, इस बीच कांग्रेस पार्टी ने जहां अपने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, साथ ही अब आज ही कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जो है वो जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया गया है। अब इसको लेकर के बीजेपी ने बड़ा निशाना साध दिया है। बता रहे कि बीजेपी ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता दिया है। वही आपको बता दें कि जब ये जो वीडियो वायरल हुआ है कमलनाथ का, जिसमें वो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कहते हैं, तो वहीं जब कांग्रेस के वचन पत्र जारी किया जा रहा था, तब भी मंच के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की तलखी और नोकझोंक साफ देखने को मिली, जहां पर कमलनाथ ये कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जो है वो गालियां खाते ही रहेंगे कमलनाथ की बजाय, यानी कि कमलनाथ जो भी गलती करे उसकी गालियां दिग्विजय सिंह खाएंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में देख रही है। पूरी तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े जो दो नेता हैं, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ हो, आपस में ही खींचतान देखने को मिल रही है। बता दें कि बालाघाट जिले की वारा सिवनी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि प्रदीप जायसवाल कांग्रेस सरकार में खनिज मंत्री रह चुके हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था और इसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र वचन पत्र जारी कर दिया है और इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी है। बता दें कि एक साल में तैयार हुआ वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटी कांग्रेस के द्वारा दी गई है। अब इस वचन पत्र को लेकर के बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी ने इस वचन पत्र को झूठ का पुलंदा करार दे दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए ये कहा कि ये मात्र झूठ का पुलंदा है। पिछले बार राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने क्या किया? कौन से युवाओं को रोजगार दे दिया या फिर कितने किसानों का कर्जा माफ कर दिया? सुनिए किस तरीके से बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं उनके इस वचन पत्र को लेकर के। ये वचन तो है ही नहीं, ये तो झूठ का पुलिंदा है और कांग्रेस का पुराना टेक रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। उनके ही नेता राहुल गांधी बोलकर गए थे कि 8 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। 15 महीने सरकार रही, 15 पैसे कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता नहीं दिया। अब लंबी लंबी बात कर रहे हैं, अब आईपीएल की टीम बनाएंगे। बताओ, ये सरकार का काम है आईपीएल की टीम बनाना? अब ये तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि वो सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा रख दिया।
पर राजनीति के अंदर एक छोटा शब्द है विश्वास, पर उस अर्थ उसका बहुत बड़ा है। कांग्रेस के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजनाओं के ऊपर लोगों को विश्वास है कि गरीब कल्याण के लिए काम किया है हमने और गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाया है। अब ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुर्सी चाहिए बस, इसलिए कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, और इसलिए इस घोषणा पर जनता बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया, कांग्रेस ने जो कहा है वो कभी नहीं किया। ये सब झूठ का पुलिंदा है। मैं कहता रहा हूँ आपसे कि इसको कोई जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। पिछली बार उन्होंने 9 वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं किया, इस बार 290 वादे कर रहे हैं, कौन सा वादा पूरा करेंगे? पिछली बार तो खाई गए, वो दिया ही नहीं। जिन कन्याओं को विवाह उनके बच्चे हो गए, उनको पैसा ही नहीं मिला। जो मुख्यमंत्री कन्यादान का पैसा खा जाए उनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? और इसलिए वो 1 लाख या 10 लाख की घोषणा करते, जनता विश्वास नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास करेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख बेटियों का विवाह किया है। नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा कि कांग्रेस का नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, कमलनाथ जी जाके दिल्ली में बैठेंगे, दिग्विजय सिंह जी राघोगढ़ में बैठेंगे और एक नया नेतृत्व आएगा, ये परिवर्तन होगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये तो जनता भी जानती है कि कांग्रेस का मतलब झूठ की गारंटी है। यहाँ पर भी बीजेपी नेता जो है वो कांग्रेस के इस वचन पत्र पर जोरदार हमलावर है। सुनिए किस तरीके से बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के वचन पत्र पर हमला बोल रहे हैं। देख, कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले भी किसानों के बारे में, बेरोजगार युवाओं के बारे में कांग्रेस वायदा कर चुकी है और उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार जो उनका वचन पत्र है इसको भी सर्वत्र मध्य प्रदेश की जनता झूठ ही मानेगी और कांग्रेस के मायने झूठ की गारंटी है। देखिए, कुल मिला के क्या है कि कांग्रेस कहने को तो कुछ भी कहती है लेकिन झूठ बोलती है, ये जनता में स्थापित हो गया है। इसलिए चाहे बिजली का विषय हो, चाहे लाडली बहना का विषय हो, वो 1500 की बात कर रहे हैं। हमारी जो स्कीम है लाडली बहना की, वो तो 3000 पर जाकर रुकेगी। तो स्वाभाविक रूप से सारे लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कांग्रेस सच नहीं बोलती है और इस प्रकार की घोषणाएं कांग्रेस कर इसीलिए रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता और चुनाव अभियान से भयभीत हो गई। देखिए, दरअसल क्या है कि इंश्योरेंस स्कीम है हमारी जितनी हैं और प्रभावी हैं, चाहे वो अटल पेंशन योजना का मामला हो, चाहे जीवन ज्योति बीमा का मामला हो और चाहे फसल बीमा इंश्योरेंस का मामला हो, ये सारे के सारे ऐसे मामले हैं जिनका फायदा जनता को मिल रहा है ऑलरेडी। ये सब झूठी बोल रहे हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 144 कांग्रेस कैंडिडेट की पहली लिस्ट आते ही कपड़ा फाड़ राजनीति शुरू हो चुकी है। इसके बाद कई जगहों पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। सोमवार को कई जगहों पर टिकटों के कटने के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया, वहीं कुछ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया है। साथ ही एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पीसीसी के कमलनाथ नाराज कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए साफ सुने जा सकते हैं कि आप यहां गदर मत कीजिए, दिग्विजय और जयवर्धन के पास जाइए और उनके कपड़े फाड़िए। इस पूरे मामले में बीजेपी ने जमकर चुटकी ली है। दरअसल सोमवार को कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलने पहुंचे। वे रघुवंशी के टिकट को लेकर के तेज आवाज में बोलने लगे और इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि यहां आप गदर मत कीजिए, दिग्विजय और जयवर्धन के पास जाइए और उनके कपड़े फाड़िए। बता दें कि रघुवंशी का टिकट शिवपुरी से लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन शिवपुरी विधानसभा सीट से टिकट मिलने की आस लगाए बैठे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को इस सूची में अपना नाम ना होने से बड़ा झटका लगा, जिसके बाद कमलनाथ का यह वीडियो सामने आया जिसमें वो किस तरीके से दिग्विजय
दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस मामले को लेकर के चुटकी ली है और बीजेपी एमपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से बकायदा पोस्ट करके ये कहा गया कि कांग्रेस की हार का ठिकरा मिस्टर बंटाधार के सिर पर फूटने वाला है। टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं को कमलनाथ की दो टूक, जाओ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। आपको बता दें कि जब घोषणा पत्र आज कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया तब भी मंच में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में तल्खी देखने को मिली, जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी। हालांकि इसमें हंसी ठिठोली तो हो रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई सारे लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके की टकराव दोनों नेताओं में देखने को मिलती है, उनकी तल्खी स्पष्ट तौर से यहां पर मंच में देखने को मिल सकती है। बता दें कि घोषणा पत्र के जारी होने के दौरान कमलनाथ ने कहा कि आपने सबसे पहले मुझसे सवाल किया कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर आपकी बात वो नहीं माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़ दो। इस पर दिग्विजय सिंह ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ए और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं, ये पीसीसी प्रेसिडेंट के होते हैं, तो भैया कपड़े किसके फटने चाहिए। इस संवाद को सुनकर मंच पर बैठे नेता हालांकि ठहाके तो लगाते हुए नजर आए, लेकिन जाहिर तौर पर इससे तल्खी स्पष्ट नजर आ रही थी। इस दौरान कमलनाथ ने तो ये तक कह दिया कि मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटर्नी दी थी और वो पावर ऑफ अटर्नी थी कमलनाथ के लिए आप गालियां खाएंगे। ये पावर ऑफ अटर्नी आज के दिन भी वैलिड है। सुनिए किस तरीके से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो वार्तालाप हो रही है उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कैसे इन दोनों के बीच की जो तल्खी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इससे क्या आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। वचन पत्र की ये कॉन्फ्रेंस मैं अभी शुरू नहीं कर रहा, मैं तो वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो, और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है, लेकिन कहना लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है, जैसे मैंने कहा राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। आपको बता दें कि वही ओपिनियन पोल भी पिछले कई दिनों से टीवी चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं, कई सारे सर्वे हुए हैं और इस सर्वे के मुताबिक भी मध्य प्रदेश की कुल 200 सीटों में से सबसे ज्यादा सीट जो है वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी की जीत भी तय मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।